पूर्व सैनिक लीगर की द्वारा कई वर्षों से महीने के एक दिन सैनिक कैंटीन को क्षेत्र में खोले जाने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। पंचायत प्रधान उर्मिला ने इस कार्य के लिए पूर्व सैनिकों को बधाई दी और कहा कि सैनिक भवन में कैंटीन खुलने से बुजुर्ग सैनिकों व वीर नारियों को घर द्वार पर ही सामान मिल पाएगा। दूर आने जाने से उनका समय की बचत होगी, वहीं हमारे पंचायत वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं पुनः उन्हें एक बार बधाई देती हूं और हमारी सरकार के माध्यम से माननीय रतनपाल जी द्वारा 5 लाख रुपए की राशि का सहयोग करके इस भवन का निर्माण हुआ है। और यहां पे जो शौचालय की कमी है, अभी बहुत जल्द इस शौचालय का निर्माण भी यहाँ पे होने वाला है। वहीं लीग के अध्यक्ष सूबेदार मेजर पदमदेव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिकों को कैंटीन से सामान लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें आने जाने में समस्या होती थी। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि महीने में एक दिन सैनिक भवन बातल में कैंटीन को खोला जाएगा, ताकि क्षेत्र के पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को यह सुविधा घर द्वार मिल सके। बड़ा सौभाग्य की बात है आज के पूर्व सैनिकों के लिए। बातल पंचायत में जो है, यहाँ पर हमारा जो सैनिक सामुदायिक भवन बन रहा है, यहाँ एक कैंटीन आई, कैंटीन खुली। मैं धन्यवाद करता हूँ शिमला से, जहाँ शिमला आर्ट रिकॉर्ड के लिए जिन्होंने हमारे कैंटीन का आयोजन की यहाँ पर भेजा, उनके लिए बधाई के पात्र। और साथ जो कैंटीन लेके आए हुए हैं, हम उनका भी बधाई के पात्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा काफ़ी समय से ये संघर्ष रहा कि यहाँ पर जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, शिमला जाने की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ कैंटीन आई। अभी सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। जो हमारी वीर नारियाँ हैं बेचारी जो ऊपर नहीं जा सकती थी, वो यहाँ बिल्कुल नज़दीक, जैसे जयनगर तक के लोग यहाँ हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला के लोग आते हैं, बिलासपुर तक के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ताकि इनको ये काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी और काफ़ी लोग यहाँ के बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमारे कैंटीन जो है यहाँ पर आई है।